बहुत आनंद उत्साह हो रहा है कि ये जीतों की जो मैराथन है जो ऑर्गेनाइज किया अहिंसा रन, इसका मैं एक भाग हूँ। बहुत खूबसूरती से ये ऑर्गेनाइज किया गया है और परसों महावीर जयंती है उसके बेसिस पे जो ये ऑर्गेनाइज किया है, जिसके जिनके प्रिंसिपल्स थे पीस, इक्वालिटी, लव, फॉरगिवनेस, ये सारे प्रिंसिपल्स की सोचते हुए ये रन ऑर्गेनाइज किए। आज इतने सारे इनके 65 सेंटर्स में ये एक साथ चालू ही और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ चुकी है, तो बहुत खुशी की बात है। और जीतों ने ये अहिंसा रन जो एकता के लिए है, इंक्लूसिविटी के लिए है, ये बहुत खूबसूरती से ऑर्गेनाइज किए, तो उनका मैं धन्यवाद करती हूं। फिटनेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जाए रनिंग एक फिटनेस के लिए लाभदायक है, क्या कहना चाहेंगे? यकीनन रनिंग बहुत लाभदायक होता है, इट्स अ फूड टू योर सोल ऑल्सो अदर देन योर बॉडी, तो बहुत ही अच्छा एक एक्सरसाइज है। और आप कभी एक आध बार ना कर पाए तो घर पे योगा जरूर कीजिए, पर रोज एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जहाँ पर पूरे विश्व भर में तकरीबन 1.5 लाख रनर्स एक साथ दौड़ लगा रहे हैं, जीतो IIFL अहिंसा रन 2023 इसने विश्व कीर्तिमान बनाया है, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसकी एंट्री हुई है, क्योंकि तकरीबन 78,000 लोगों ने एक हफ्ते में पीस के लिए प्लेज लिया। ये अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है कि एक ही समय पर इतने सारे सिटीज़ में एक साथ एक समय पर इतनी बड़ी दौड़ हो रही है। इसलिए ये रन जो हो रही है ये विश्व को एक ही संदेश देने के लिए है, विश्व शांति का संदेश और अहिंसा का संदेश, क्योंकि हमारे 2 दिन बाद भगवान महावीर का जन्म कल्याणक उत्सव है। उनकी जो प्रीचिंग रही है जियो और जीने दो और अहिंसा परमो धर्म, इसे प्रमोट करने के लिए ये रन का आयोजन किया गया है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी एवं हमारी प्रेसिडेंट, उन्होंने भी हमें पूरी तरह से आशीर्वचन दिया है। आज इस रन में पूरे तमाम सेलिब्रिटीज़, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, हमें सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है, इसलिए जीतों की ओर से हम सभी का धन्यवाद देते हैं। किस तरह का मैसेज गया है आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो? देखिए, जीतों ने जो ये जैनिज्म का जो हमारा मुख्य प्रिंसिपल है जियो और जीने दो, विश्व शांति और अहिंसा, ये संदेश हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं जन जन तक इसे पहुंचाने में इस रन के द्वारा। ये रन में केवल जैन नहीं बल्कि पूरा इंडिया, पूरा भारत इसमें जुड़ रहा है, सभी से हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है और तकरीबन 1.5 लाख रनर्स आज इस आयोजन का हिस्सा बने हैं। उन 1.5 लाख लोगों के लिए क्या कहना है, जिस प्रकार से अर्ली मॉर्निंग में सपोर्ट किया है यहाँ पे और लोग दौड़े इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं? देखिए, 2 संदेश यहाँ पर दिए जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी फिट इंडिया का एक संदेश है, फिट इंडिया को भी हम साथ में प्रमोट कर रहे हैं, और साथ ही अहिंसा के संदेश को, विश्व शांति के संदेश को इस रन के द्वारा, इस अहिंसा रन के द्वारा हम प्रमोट कर रहे हैं। सर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि इससे ये मालूम पड़ता है कि 1,50,000 आदमी एक साथ दौड़ रहे हैं, इसका मतलब सब ये चाहते हैं कि शांति हो और सबको जियो और जीनो दो, कल संदेश है भगवान महावीर स्वामी का, वो रियली आज के टाइम पे बहुत सही है। और जीतो इसके लिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और इतना बड़ा काम किया इन्होंने पूरे वर्ल्ड में, आज इतना कंट्री में और इतना सब होना, ये जीतो के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और जैन समाज के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप लोग देखिए, सर ने जिस तरह से इस मैसेज को स्प्रेड कर रहा है, आज विश्व के कल्याण के लिए ये मैसेज बहुत ज़रूरी है। आज अहिंसा और जियो और जीने दो का संदेश भगवान महावीर का एक विश्व कल्याणक मैसेज है, जो आज इस रन के थ्रू सब जगह स्प्रेड हो रहा है, और इसके लिए जीतो और सभी रनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय सर, आगे क्या प्लान है इसके बाद? इसके बाद जीतो सेवा के और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के कार्य करते रहता है। हमारा उद्देश्य समाज का अपलिफ्टमेंट है, समाज के अपलिफ्टमेंट के साथ हमारे देश का अपलिफ्टमेंट हो, इसीलिए जीतो और जीतो के सभी मेंबर्स कार्यरत हैं।